अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीसद्गुरुरुवाच अयोध्यायाश्च माहात्म्यम् वक्ष्यामि परमम् शुभम् यस्यामावततारेव वैकुण्ठपतिरीश्वरः वैष्णवायत्र मोदन्ते रामध्यानपरायणाः तदेव परमं धाम महीतले अयोध्या मधुरा काशी कांची ह्यवंतिका पुरी द्वारवतीैव सप्तैता दा मोक्षदायिकाः तासा मोक्षपुरी नाम तु प्रथमा लोकपवनी अयोध्या नगरी दिव्य राजते सरयू तटे षष्टि वर्ष सहस्रानी काशी वासेनयत्फलम् तत्फलम् लभते सम्यक् क्षणं पुरे अयोध्या आमिह भूलोके वैकुण्ठेऽप्यपराजिताम् जहाति नैव लोकेष्व देवो नारायणः प्रभुः वैवस्वतेन मनुना सरयूतटेऽस्मिन् या निर्मिता जनपदे भुवि कोसलाख्येये स्पीते तथा अति सुखवासे सुखवास योग्य स्वर्गाधिका विजयते सुतरा अयोध्य इक्वाकुशैभ्य मुचुकुंद नृग अंबरीश रघुगाधि भगीरथ आदिवंश तिलका न्यवसंश्चय सेशा पुरी विजयते नितरा अयोध्या अस्यां पुरा दशरथः सुरराज वंद्यो भार्यात्रयेन निवसन सह मंत्रिभिश्च लोकं ररक्ष नृपति भूत अद्यापि यस्य भुविभाति यशः पवित्रम् तस्यैव पुत्रपदमापहरिश्चतुर्धा यज्ञेश्वरस्तु भगवान् स्वयमेव विष्णुः आराधितो नृपतिना विहिते च यज्ञे सम्प्रार्थितः सुरगणैः हिताय यस्यास्तटे रघुवरः सः लक्ष्मणेन नित्यं सुहृद्गणयुतो विजहार रामः तत्पादपद्म युगलाञ्छितसैकताड्या धन्या विभाति भुवने सरयूनदी सा सिद्धाश्रमे युधि निहत्य सुबाहु मुख्यान् रक्षोगणान् अथ विदेहपुरीमवाप्य भंत्वा धनुह जनकरज सुतां लेंतमाप भगवान्ब बंधुवर्गैध धन हि कोसलुता प्रमुखा जनन्यो धन्य पिता त्रिभुवने नु चक्रवर्ती ते भ्रातरश्च धन्या धन्या विदेह तनया नगरी चनिया तौ दम्पती प्रतिदिनं सरसं रमेते यत्रैव राजभवने भुवनाभिरामो आनन्दमात्रम् अमृतं परमं पदं च त्यक्त्वापि सत् नगरी पुण्य नगरी अपराजिता भ्रात्रे प्रदा पितावाक्यपन गत्वा विदेहसुतया सह श्री चित्रकूट शिखरे महात्मा स्वर्गते दशरथे बत ओ तो कते श्री पादukam रघुपते परयाच भक्त्या अनर्च यत्र निवसन्ने भरतोपि नं तमाद्य भुवने न भजे कृतिकह राम वने सुविचारण कर दूषणं तं विरहेन किन्ना Sugriva vayu जांबवदाकूल सेतु विधायध जगामल हवा दशा न मुखा रजनी चरा दत्वा निशाचर पुरीषणा लब्ध्वा विदेहतनया अथ पुष्पस् भ्रातृक प्रत्यों निजराजध सिंहासने कनकरत्नमये निवेश्य प पट्टाभिषेचनमथो भगवान् वसिष्ठः यस्यां चकार निखिलामरसे तस्य स रघुपते खलु राजदानी यस्यां स्थितो रघुवरो भुवनं शसास सार्धं विदेह सुतया सहसोदरैश्च यज्ञान बहूं श्रविदे जगदेक बंधु तम राघवेन्द्र नगरी भुविना विना श्रिएत राज्यं विधाय दश वर्ष सहस्रमीषा सर्वैश्च पक्षिपशु जन्तु जनैश्च साकं यत्रावरुह्य सरयूं सरसं सबन्धू अन्तर्दधे तदिदमेव हि गोप्रतानम् पुत्रौ च तौ लवकुशौ भगवद्वियोगत् किन्नौ वसिष्ठमुपगत्य निदेश तो गर्मा मंदिर मधो स्वितुष्चमू उरते ये पुरवरे सहसा प्रतिष्ठा सानिध्य मात्र कुृते रघुनन्दनोपी सार्धं विदेह सुदया सहसोदरायश्चग अत्रैव सन्ति हनुमत् प्रमुखश्च भक्तः यद्यपि भाति भुवि राघवराजधानी धन्यस्य एव भुवि भारतपुण्यभूम्यां लब्ध्वा नृजन्म सुरवाञ्छितं एकवारं यो याति रामनगरीं सरयू जुलेयच यस्नोति पूजयति योत्र रघुतमंच साकेत दिव्य नगरे निवासन् विरक्तः श्री राम चिन्तन परह सह साधु बिष भिक्षा अन्न मात्र विनिवृत्त शरीरे त्रो गो योज प्रतिदिन स ही धन्य शृव प्रतिदिन परम् पवित्र रघुपतेहराजान्या वा कौति सदयूतटम्पेय श्रीराम दर्शनम अमुष्य सुभ्यम श्रीराममन्त्रमनिशम्परया च भक्त्या सङ्कीर्तयन् सह वसन्निह रामदासैः प्राप्नोति भक्तिरसिकः परमम् नापेक्षते खलु कदाचन विष्णुलोकम् श्रीराघवेन्द्र परिपालित दिव्यदेशसाकेतनामनगरस्य सनातनस्य माहात्म्यम् अद्भुतमिदं परमम् पवित्रं श्रुत्वापि राघव कटाक्षम् अवाप्नुयाद्धी अयोध्या सदृशं स्थानं भुवनेषु न हि क्वचित् यत्र श्रीराम रामेति कीर्त सदा गोप्रतारे गोप्रता तु तिलतर्पणमात्रतः लर्पणमात्रतः तृप्य सर्वे सहसा विष्णुपोषिता वैष्णवं परमं स्थानम् साकेतं नाम मङ्गलम् यदृच्छया कृतं पुण्यम् यत्र कोटिगुणं गुणम् भवेत् क्षणमात्रमयोध्यायाम् वसतोऽपि यदृच्छया तस्यैव जन्म सफलम् स एव भुवि भाग्यवान् दुर्लभं मानुषं जन्म दुर्लभं तीर्थसेवनम् अयोध्यादर्शनम् ऋणाम् अत्यन्तमिह दुर्लभम् अयोध्यापुरियात्रा तु रामस्य कृपयैव हि लभ्यते हि मनुष्याणाम् सर्वमङ्गलदायिनी श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्री हरये जानकी जानकीकान्तस्मरणम् जय जय राम राम इति श्री श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभु विरचिते दिव्य देश वैभवे अयोध्या अयोध्यामाहात्म्यं नाम पञ्चदशोऽध्यायः जय बोलो प्रेम केंद्र सदगुरु महाराज की जय